jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, strong, strong, jump, jump, sharp, sharp. Oh, oh, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, wrong, wrong, jump, jump, strong, strong, jump, jump, sharp. कलाम तक पीठ ज्ञान की भूमि है, उस ज्ञान को हम न तो दिखा सकते ना ही प्रदर्शित कर सकते, क्योंकि कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने यह कहा था कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चले जाओ। और हमने और घर में लंबा समय साथ व्यतीत किया था, और आज उनका जब जन्मदिन है तो कहा तो हमें चाहिए था कि आज के दिन हम उत्सव मनाए, आज हम लोगों को संन्यास दे रहे हैं। किसी कि प्रेम का उत्तम अच्छी बात है ये। और मैं वो जहाँ भी हैं हृदय से उनका आभारी रहूँगा सदा सदा के लिए कि एक पूर्ण पुरुष होने में कहीं ना कहीं उनका योगदान था। हालांकि मैंने अप्सरा साधनाएं की, यक्षिणी साधनाएं की, किन्नरी साधनाएं मैंने संपन्न की है अपने जीवन में, प्रयोगात्मक तौर पर संपन्न की, लेकिन एक मानवी के साथ रहना और एक, क्योंकि परमात्मा ने हर एक के लिए एक चीज बनाई है, बानर के लिए बानरी बनाई, श्वान के लिए श्वानी बनाई है ना, वैसे मनुष्य के लिए नर के लिए नारी बनाई है। भले ही हिमालय का सर्वोच्च योगी हूँ, अप्सराओं का नृत्य देखता रहूँ, यक्षिणी किन्नरी और योगिनी के साथ समय बिताऊँ, लेकिन नारी के साथ समय बिताना वो एक अलग बात है, वो भी एक अलग तल पर। वो अवसर उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि अगर मैं किसी अन्य नारी के साथ समय व्यतीत करता जो जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता तो शायद दुर्गति होती। तो इसलिए माँ भगवती परम भगवती इच्छा रहती है पहले से, वो किसी भी महापुरुष को अहंकार में नहीं जाने देती, निरंकुश नहीं होने देती। हो सकता है मैं निरंकुश ही रहता, मैं बोलता कि नहीं जाना मुझे, नहीं कुछ करना, लेकिन आज कुछ अंकुश तो है ही, हालांकि कुछ ही है, बहुत ज़्यादा अंकुश लगाना तो मुझ पर बड़ा असंभव लगता है, मेरा खुद पर अंकुश नहीं रह पाता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व दिया। आज कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलने अगर आता है तो मैं उसको रोकता नहीं, कहता हूँ ठीक है आ जाओ जल्दी समय। उसके पीछे कारण सिर्फ वही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी मिलने आना चाहता है तो उसे आने दो, मत रोको, अच्छा ये बुरा उसे तुम्हें नहीं लेने देना पर आने दो। तो उनका ये बड़प्पन था, उस कारण हमने इस कार्य को आगे प्रारूप को आगे बढ़ाया। लेकिन सिर्फ उनके रहते तक ये सब नहीं होता, क्योंकि उनको हमने इसीलिए अपने से दूर किया, क्योंकि हमें मालूम था कि यदि वो लंबा समय हमारे साथ रहेंगी तो मैं कोई काम नहीं करने वाला था, फिर मैं केवल उन्हीं के साथ बैठा रहता और नैनों में नैना डाल के है ना, फिर मोहब्बत के गीत गाते रहे। तो किसी भी युग पुरुष को ये याद रखना चाहिए कि उसके लिए अपना सुख प्रथम सुख नहीं है, अपना सुख
द्वितीय चरण पर, दूसरे पायदान पर। प्रथम उसका कर्तव्य, प्रथम उसका, मेरी नजर में कोई त्याग यदि होता है तो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही त्याग किया और वो है भैरवी मृगाक्षी के प्रेम का त्याग, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास था ही कुछ नहीं, न तब था ना अब है। मेरे जीवन में एक ही पूंजी थी और वो केवल भैरवी मृगाक्षी का प्रेम, इसलिए मैंने उसे छोड़ा सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के लिए, किसी और कारण से या उनके बीच में हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि वो उच्च कोटि की भैरवी है और हम एक योग्य भैरव होने की पात्रता रखते हैं अपने भीतर, तो कहीं कोई अड़चन थी नहीं और हम दोनों के मध्य कोई दीवार भी नहीं। बस केवल एक लक्ष्य अपने जीवन में था कि गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अब नीचे जाने का अवसर दिया गया है, अब जाओ इस कार्य को करिए और 2015 में जनवरी में मुझे अपना लेखा जोखा सौंपना है, जो कि 10 साल पूरे होने पर मुझे वहां जाकर सौंपना है। तो 2004 में नवंबर से मैंने काम शुरू किया था और 2014 में दिसंबर में मैं जाऊंगा और जनवरी के मध्य तक ही पहुंच पाऊंगा, क्योंकि उस दौरान हिमपात होता है और हिमालय में वही सबसे जटिल ऋतु और मौसम होता है, उस समय जाना अपने आप में चुनौती है, मृत्यु को का आवाहन करने जैसा है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अभी, हालांकि थोड़ी सी गति कम रही लेकिन अब गति बढ़ने वाली है, क्योंकि कोलांतक संप्रदाय को आगे ले जाना और उसे पुनर्स्थापित करना ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर सेवा करनी पड़ती है। और मैं तो मंजूषा जी और भैरवी जानवी, हालांकि वो गृहस्थी में चली गई हैं, उनका इस वजह से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये तो प्रारंभ के उस दौर में मेरे साथ जुड़ी जब मैं बिल्कुल भूमि पर था, भौतिक स्वरूप है ना, कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने कई रातें हमारे साथ दुखी भूखे गुजारी, हालांकि भगवती की अनुकंपा से सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जो लीला होती है वो उसी भांति चलती है जिस भांति लीला विहारिणी चाहे। बहुत बुरा दिन हमने काटा और इनके लिए तो और भी मुसीबतें थी, क्योंकि ये तो लड़कियां थी और आजकल तो भला एक हवा है कि बाबा के साथ कोई लड़की खड़ी हो जाए, बस मुसीबत तो खड़ी हुई है। बावजूद इन्होंने समाज को, समाज के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए, तमाम कुतर्कों का जवाब देते हुए ठीक तरीके से ये अपने काम में आगे बढ़ गए और आज तो मुझे गौरव है, आज तो हमारे पास भैरवी है, आज भैरव ही भैरव है। उस दौर से हम लोग निकल करके आगे रहे, हालांकि आज भैरवी मृगाक्षी नहीं है, उनको ये तो मालूम था पहले से कि मंजूषा जी आने वाली है, लेकिन आज के प्रारूप के विषय में उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप लोग का सहयोग और हमें मिला तो आने वाले कुछ ही वर्षों में हम चमत्कार करने में कामयाब रहेंगे और आपको अपने पर गर्व होगा। भले ही आप लोगों ने छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर सेवा की है, सेवा तो सेवा ही है ना, उसका मुकाबला नहीं हो सकता हमारे। इसलिए इस जन्मदिन को मैं बेहद सौम्य तरीके से, बेहद आह्लादित तरीके से मना रहा हूँ, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी पीठ के पीछे सैकड़ों हाथ कार्य कर रहे हैं। अब मुझे पता है एक नहीं है दूसरा, दूसरा शेर नहीं है तीसरा, तीसरा नहीं है। जब सिंहों के बीच में रहना हो जाए ना तो फिर किसी को भय कैसे हो सकता है। इस कारण अब मुझे, प्रारंभ में मुझे पीड़ा होती थी बहुत ज्यादा कि मैं कहां आ गया हूं और किन के बीच फंस गया हूं, जिस जगह पर मैं पैदा हुआ हूं वहीं से मुझे आपत्ति थी और अभी भी मेरी किसी से बनती नहीं है। यहां मैं यहां से कुल्लू गया, दुर्भाग्य की बात देखिए आप, कुल्लू में एक व्यक्ति मेरे पक्ष का ढूंढ कर लेकर आइए जरा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा ही किसी नहीं, किसी को नहीं, किसी ने ब्रह्म विषय प्रश्न ही कभी नहीं पूछा, पूछोगे नहीं तो पाओगे कैसे। अब मैं अपनी तरफ से तो आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला हूं नहीं, पात्र होगा तो करूंगा, कुपात्र के सामने तो, भैंस के सामने तो बीन ही बजानी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं। लेकिन फिर भी आत्मतृप्ति है कि आप जैसे साधक हैं इस पृथ्वी पर, इसलिए हमारी शैली आम लोगों की समझ में नहीं आती और आने भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम ही है रहस्य पीठ, ये रहस्य साधकों की, रहस्य पुरुषों की पीठ,
यहाँ आपको निरंतरता से जुटना होगा, निरंतरता से कार्य करना होगा और सर्वस्व समर्पित करना होगा। मेरा तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, धन तो छोटी मोटी चीजें उसको समर्पित करने की जरूरत नहीं होती। जब आप प्रतिपल अध्यात्म के बारे में सोचते हैं तो युग चेतना परिवर्तित होती है। किसे कहते हैं साध और किसे कहते हैं मानव जीवन का सौंदर्य, जिसको करके एक बारगी मनुष्य अपने आप को धन्य समझे, कृतकृत्य समझे, कह रहे वाह मैंने ये साधना की और गौरवान्वित हो कि मैंने ये साधना संपन्न की है। हम में से बहुत ऐसे साधक हैं जिन्होंने बहुत उच्च कोटि की साधनाएं पहले संपन्न की हैं और मैं ये दावे से कहता हूं कि उनको भागना है भाग जाए, जहां जाना है चले जाए, लेकिन वैसी साधना उनको नसीब नहीं होने वाली क्योंकि उन्होंने जो इतिहास उस समय उस कालखंड में बना लिया सो बना लिया। इसलिए हमारे पास बेहतरीन अवसर है, बहुत सुंदर क्षण है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाओं को अनुकूल करने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती तो इसका साफ इशारा है कि प्रकृति नहीं चाहती कि अब आप आगे बढ़े। इसलिए प्रकृति कुछ भी कर देगी, आपके धन आगमन को रोक देगी, धन होगा तो फिर पत्नी नहीं आने देगी, पत्नी भी साथ आ गई तो फिर बच्चे फंस जाएंगे, बच्चे भी अगर नहीं फंसे तो फिर पड़ोसी झगड़ा कर देगा, पड़ोसी झगड़ा नहीं करेगा तो गाड़ी की समस्या हो जाएगी, गाड़ी समस्या नहीं तो हवाई जहाज ही नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत शालीनता से संयम पूर्वक मंत्र जाप का सहारा लेना है और समस्याएं बढ़ती हैं क्योंकि साधना में जैसे जैसे आपका तेज बढ़ेगा, क्योंकि ज्यों ज्यों आप दीक्षा ले रहे हैं त्यों त्यों आपका कहीं ना कहीं खाता तो बढ़ ही रहा है ना, और उस खाते का बढ़ना बहुत लोगों के लिए मुसीबत है, स्वर्ग वालों के लिए भी मुसीबत है, एलियंस के लिए भी मुसीबत है। तो हो सकता है सोच समझ के जाएगा कि एलियन किडनैप करके ले गया ना तो मुसीबत हो जाएगी, वहां सब सिद्धाएं चिल्ला रहे होंगे तो चलेंगे मंदिर पे ऐसी आवाज कैसे है, स्वामी जी को पूछोगे कि अपना कोई प्राणी उधर भी है, स्वामी जी लिस्ट निकाल कर देखेंगे अरे अभी तक तो कोई मंगल वाला दीक्षा लेने आया नहीं है, मुसीबत होगी इस तरह से है। इसलिए सोच समझ के, लेकिन फिर भी मुझे तृप्ति है कि काम अच्छा हुआ है। आप लोग के पास तो कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं और हम अभागे ऐसे थे, हिमालय पर यंत्र भी बनाना पड़े, पहले मिट्टी ढूंढने जाओ, उस रंग की मिट्टी लाओ, फिर मिट्टी भी सही रंग की होती नहीं थी, मुश्किल से पत्थर ढूंढो, एक प्लेन सा पत्थर तक नहीं मिलता था, कभी कभी तो ऐसी दुर्गति होती और जो पत्थर प्लेन होता था वो चौकोर नहीं होता था। मुझे याद है कई बार तो हमने आड़े तिरछे पत्थर पर ही यंत्र बनाए, बेढंगे यंत्र, पत्थर बहुत बेहुदा होता था, नीचे से चौड़ा ऊपर से ऐसा तिरछा सा, तो मुश्किल से जो इसके नीचे वाले हिस्से भी किसी तरह यंत्र बना देते थे, लेकिन जब यंत्र को सामने रखते थे और साधना करने बैठते थे तो उस यंत्र को देखकर बड़ा खुन्नस आती थी उसे देख के, काश कुछ होता तो मैं इसका सिर ऊपर से काट देता इस पत्थर का, क्योंकि वो ऊपर से ऐसा लगता था कि यंत्र ने टोपी पहन रखी हुई है और ऐसे मुस्कुरा रहा है मेरी तरफ देख के। आप लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए रंग टपक रहा है उसकी भी अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तो बेहद अजीब सी बात होती है। और हमने सुंदर यंत्र बनाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए, गड्ढा खोदते थे इस बराबर इसके बराबर जितना ये, जैसे इसमें मिट्टी ऊंची की गई है उसमें भी ऊंची करते थे, और यदि तीन चार दिन बाद साधना करें तो उस पर पानी डालकर रखते थे, फिर मिट्टी को जानबूझकर उसमें छेड़ते थे ताकि बाद में पानी सूख जाएगा तो बिल्कुल प्लेन मिट्टी उस पर जम जाएगी ऊपर, लेकिन उसके लिए काफ़ी मिट्टी को छेड़ना पड़ता है तभी जाकर बैठती है, अन्यथा नहीं बैठती। तो उसके पत्थर हाथ से छान छान कर बाहर निकाल देते थे, मिट्टी पूरी छन जाएगी, फिर उसके ऊपर यंत्र बनाते थे हम। बाद में जब वो सूख जाता था उसमें दरारें पड़ जाती थी, एक भुतहासा यंत्र होता था सामने जिस पर बैठकर हम साधना किया करते थे। तो इस तरीके से हमने प्रकृति में यंत्र बनाए, ऐसे रंग होते तो आधा हिमालय तो मैं रंग देता अलग अलग दुर्लभ यंत्रों से। अपने आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए और यंत्र चित्रकला इन सब चीजों को माननी चाहिए। हमारे साधन तो एक भी ऐसा ना हो जिसको कहा जाए यंत्र बना तो सोचे कैसे, इसे कहा जाता है महात्मा, यही वो लक्षण है जो आपको आगे ले जाए। लेकिन अगर आपने किसी से छीन लिया, किसी को नोच लिया तो मुश्किल है। इसलिए गुरु भाइयों के साथ प्रेम से रहना चाहिए।
मैंने तो कभी अपने गुरु भाई के साथ ऐसा नहीं किया, हालांकि मेरे साथ उन्होंने क्या क्या किया ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। मैं कोई गलती करता था तो पता क्या कहते थे, रात के समय ऊपर से बारिश लगी हुई तो कहेंगे ओ नाला है ना, नाले के पास वो पत्थर है उसे छू करके वापस आओ। आप पहाड़ पर आप ऊपर से नीचे चढ़िए, रात के समय अकेले जाइए, जंगल में भालू है जानवर है, एक तरफ आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, एक तरफ अंधेरा होगा, रास्ता नहीं मिल रहा होगा, ऊपर से आपके पास रोशनी की व्यवस्था नहीं होगी, लड़ते लड़खड़ाते कभी भी गिर सकते हैं। मुंह पर आप चौबे से कहते हैं हाथ रखिए ताकि नाक और आगे वाले शोपीस दांत आपके बचे रहें, और किसी तरह वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंच के फिर वापस आते। चाहता तो मैं भी था कि जब मैं पलाम तक पीठाधीश्वर बना तो मैं भी कह सकता था, अभी तो मैं पीठाधीश्वर हूँ, इस पहाड़ की चोटी को 5 बार छू ले वापस अपने गुरु भाइयों को। लेकिन हमने तो नहीं कहा, उन्होंने तो बहुत कुछ करवाया, यही अंतर था। और मुझे लगता है कि मेरे गुरु भाइयों में मुझसे 1% की कमी नहीं होगी साधना में, तपोबल में, क्योंकि उन्हें एक दिव्य गुरु ने तराशा है। जिस गुरु ने मुझे तराशा उन्हीं ने उनको भी तराशा, उन तीनों में भी कोई कमी नहीं हो सकती, बल्कि तीनों उम्र में मुझसे आयु में बड़े हैं, वंदनीय है, मजबूत कर काची है, मेरे तो सूर्य में छुआरे थोड़े हैं। तब भी एक चीज मात कर गई ना, मात क्या कर गई, क्योंकि लगता था छोटा है, हालांकि वो तो उसको क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए करते, मनोरंजन के लिए, चलो ठीक है लगा रहेगा ये विचार। लेकिन उस विचारगी ने मुझे आगे का रास्ता दिया, पलात तक पीठाधीश्वर बनने का, संकरी गलियों में से मेरा रास्ता बना है। और वो ऐसे ही आपको पता नहीं होता कि आपकी कौन सी घटना आपको नीचे गिरा देती है और कौन सी घटना आपको ऊंचा उठा देती है। जरा जरा फर्क पड़ता है देखना चाहिए, जरा सा आपको लगता है कि योग्य तो मैं भी था, और मैंने तो बताया नहीं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मुर्गे के पंखों वाला ये मुकुट मेरे सर पे आएगा। पता ना पलात तक पीठाधीश्वर के जब मुकुट होता है उसको घास से बनाया जाता है और उसके ऊपर जाजुराना पक्षी के पंख लगाए जाते हैं, ऐसे करके उसके अंदर उसकी पहचान, उसके ऊपर लाल लाल सफेद सफेद दाग हो, तो जब पीठाधीश्वर बनाया जाता है तो उस मुकुट को पहनाया जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि सारे योग्य हैं, बड़े मजबूत हैं, इनका नंबर आएगा। बावजूद इसके भगवती ने हमें ये अवसर दिया, वो तो मैं ही जानता हूँ। हालांकि उस खुशी का इजहार करने या उसकी व्याख्या दे पाना तो असंभव है, कि तब मैं पहाड़ों पर था, पहाड़ों पर खुशी भी अपनी तरह की होती है ना। आप खुशी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर आप करेंगे तो किसी दूसरे दोस्त को बुलाकर, है ना, केक काटकर, बर्गर का एक टुकड़ा खिलाकर, कोक पिलाकर वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं चलता। हम तो पहाड़ों में जब पीठाधीश्वर बनते तो जोर से आवाज लगाते हैं, भालू को भी देखो हम पीठाधीश्वर बन गए, हमारे इलाके में बताना पड़ सके, अपनी अपनी शैली खुशी मनाने। पर अच्छे तरीके से हमने उसको मनाया, और मुझे गौरव है ये कहते हुए कि मैंने कोलाम तक पीठाधीश्वर रहते हुए जानबूझकर कोई ऐसा कुकृत्य अथवा दुष्कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे या कोलाम तक संप्रदाय को या कोलाम तक पीठ को कभी लज्जित होना पड़ा, भले ही मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो। मैंने डट करके सामना किया है, निर्भय होकर सामना किया है, आलोचनाओं से लेकर हर एक चीज का, आलोचनाओं से तो बता मुझे लगाव है पहले से, जब आलोचनाएं कम होने लगती तो मुझे लगने लगते हैं कि आजकल मैं सो तो रहा हूँ ज्यादा, जब आलोचनाएं ज्यादा आती तब लगता है नहीं नहीं ठीक है, सब सब अच्छा चल रहा है आजकल, मतलब अभी जीवित हूं मैं कहीं। तो ये चीजें हैं, तो इस परंपरा के मुताबिक धीरे धीरे साधना करते हुए वहां गया। लेकिन इस दौर में हमने खोया भी बहुत कुछ, हमने अपने बहुत अच्छे अच्छे योगी साथी और भी योगी गुरु, क्योंकि जब हमारे ऊपर उत्तरदायित्व डाल दिया गया कोलाम तक पीठ का, तो जो अन्य गुरु मेरे पास थे जिनसे मैं ज्ञान और शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उनको भी छोड़कर मुझे आना पड़ा। और कोलाम तक नाथ सभी सृष्टि स्थिति और सहार की शक्ति स्वरूप में भी भेद है, मतलब हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अलग अलग शक्ति मिलेगी वो आपको उसी तरह की शक्ति देगी जिस तरह की आपने जिस तरह का संन्यास लिया, क्योंकि जो संभाव मार्गी है अब उसको नहीं लेने देना संसार से ज्यादा, अब उसको अपनी पूरी ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित रख ली, तो उसको वही शक्ति प्राप्त होगी जो उसको चाहिए, फिर वो चाहेगा संसार में जाना तो असंभव है।
वो जाएगा भी तो फिर मार खा के वापस लौट जाएगा, उसके पास उसके लिए रास्ते बंद कर देगी भगवान के स्वयं, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ को समझना। इसलिए कौल संप्रदाय ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है, मैं तो सिद्धों का आभार बहुत आभारी इसी कारण से कि उन्होंने ऑप्शन बहुत सुंदर दिए। किसी संन्यास ने इतना सुंदर अवसर नहीं कभी प्रदान किया सृष्टि, इसी कारण हिमालय में ऋषि मुनियों को देखी कितने सुंदर रूप जी करते, कुछ एकांकी रहे तो ताम्र एकांकी रहे, कुछ पूरे परिवार के साथ रहे तो पूरे परिवार के साथ रहे, कुछ विचरण करते रहे तो सदैव विचरण करते रहे, अपनी अपनी योग्यता सबने प्राप्त की और एक अच्छे अध्यात्म का और एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन का अवसर उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही अपनी सुखद अनुभूतियाँ ग्रंथों के रूप में हमें दी है। वो बहुत अमूल्य और अनुभूत धरोहरें हैं, बशर्ते कि हम उन धरोहरों को समझ सकें, उसके अंदर क्या है ये समझ सकें। तो तुलनात्मक रूप में सृष्टि मतलब जो शक्ति है वो कम रहती है ऐसा? हाँ, क्योंकि साधना की स्थिति अलग अलग है ना, कि आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता जहाँ है वहाँ उतनी ही आपको मिलेगी, उससे सृष्टि से फिर अगर जैसे कोई अपग्रेड करना चाहे आगे की स्थिति के लिए तो मतलब सृष्टि वाले के लिए है विकल्प आगे खुले रहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाले के लिए नीचे आना मुश्किल है पर नीचे वाले के लिए ऊपर जाना आसान है, इसलिए आप सृष्टि से शुरू करके स्थिति पर आ सकते हैं, स्थिति से आने के बाद फिर संसार पर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पुण्य इस जन्म में इतने नहीं हुए होते हैं कि वो संहार को संपूर्ण कर सके, क्योंकि इसके लिए जन्म जन्मों का तप और बल चाहिए, अनेकों साधनाएं संपन्न की हुई होनी चाहिए पहले, यदि वो आपकी संपन्न होती हैं तब। लेकिन इसीलिए अपने आप को ये देखने के लिए कि मैं किस स्थिति पर हूँ और मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जा सकता हूँ, इसके लिए सृष्टि से शुरू करना चाहिए, पहले सृष्टि पर रहिए किसी में फिर स्थिति पर आ जाइए फिर संहार पर जाइए। तो स्थिति भैरव उत्तम भैरव माने गए क्योंकि वो दोनों को संभालते हैं। भगवान को पता था कि इसका बैंड कैसे बजेगा, उसने वही चीज तैयार करके आपको दी और दिखाई जो चीज आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में तो सब कुछ है, आपने जो देखना है आपकी आंखें थोड़ी ना देखती, घर का दीदी लंगड़ा है, दरअसल छल आपका दिमाग ही आपके साथ करता है, आगे बात समझ में। और साधना में हम इसी वजह से मारे जाते हैं कभी कभी, हम क्या बड़े बड़े साधक, मुझे पता है अपने समय में हमारे समय में मेरे पास भी ऐसे ऐसे साधक रहे, उनको हमने साधना दी और जब उनको कुछ अनुभव हुआ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है ये सब बकवास होता है आगे निकलो, तो हमें ही छोड़ के चले गए, ये आदमी गलत बोल रहा है, अरे धन्य हो, और उसके बाद क्या हुआ अभी तक वहीं उल्टा कहीं बैठ के आओ जलेबी तल रहे होंगे बैठे और वही तलनी पड़ी। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में निष्प्रिय भाव में कि आपको ध्यान वहीं रखना है जहाँ होता है। माला इसलिए दी गई है कि ऐसी कोई भी स्थिति आए तो माला आपको बाध्य कर देगी। नहीं वो तो चल रही है उसमें, तो वो आपको ध्यान दे रहा है, वो तो चलती रहेगी, तो जब वो चल रही है और आपको उसका आभास नहीं तो फिर माला कहाँ चल रही है? तो प्रोसेस तो मैकेनिकल जैसा प्रोसेस हो तो चल रहा होता है? नहीं वो नहीं चलता, इसीलिए माला हमने रुद्राक्ष की भी होती है, हम चलाक होते हैं और हम कहते हैं कि माला को ऐसे जपना है न कि ऐसे किस काम है ऐसे रगड़ के, क्यों चुपते हैं ना माला के मन के, वो याद दिलाते हैं कि कुछ हो रहा है, हर पल याद दिलाते हैं, इतने बेवकूफ थोड़े ना आप जब हमने माला डिजाइन की, बहुत होमवर्क किया पहले बैठ के, 1,000-20,000 बीज लेके आए सबकी माला बनाकर देखी कि किस माला को घुमाने से क्या होगा, जो बाद में पता चले कि सबसे बढ़िया ये से एक्यूप्रेशर भी हो जाया करेगा, यहाँ दबाने से नींद भी नहीं आएगी, माला भी घूम जाया करेगी और हेलुसिनेशन से भी हम बच सकेंगे, तो बहुत होमवर्क किया था एक्चुअली हमने, अब ये आप लोगों को समझने की जरूरत है, वरना हमारी मेहनत पानी बच जाएगी। इस तरीके से जब आप साधना करते हैं तो आप धीरे धीरे माला पर स्थित रहते हैं, हेलुसिनेशन होते रहते हैं, जब आप त्राटक करते हैं तो दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया घूम गई है और सिर्फ आपको दिखाई दे रही है, तो ठीक वैसे ही साधना के समय हर योगी को हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसने वास्तव में परमात्मा को अनुभव को पा लिया, वो एक प्रोसेस है, वो एक अनुभव है, उसको देखिए लेकिन उसमें खो मत जाइए, यही तो कह रहा है हमारा समस्त आगम निगम और ग्रंथ कि यदि आप साधना के अनुभवों में लिप्त हो जाते तो वो भी तो आनंद है, आपने देखा बहुत सारे बिल्कुल स्केलेटन
और बड़े आनंद में और बहुत आनंद होता है। देखो बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में कोई ध्यान करे, जल अंदर मत लगा के, भोजन किया हुआ ना हो, खाली हाथ चुप मौन, आगे चक्कर में चुपचाप बैठे बिल्कुल उल्लू की तरह हिलेंगे नहीं। तो वो जो अनुभूति है ध्यान की, उसकी एक बात ही अलग है, उसका एक स्तर ही अलग। तब बारिश की बूंद बूंद संगीत बन जाती, आसपास होने वाले हर ध्वनि संगीत बन जाती, उसको शांति चाहिए वातावरण। जब वो शांति होती बस धीरे धीरे समाधि में जाने लगेगी। तो दो ही स्थिति, या तो निद्रा या समाधि। निद्रा से बचना होता है, जब आप निद्रा से बचने का मार्ग खोज निकालते हो, शुरू में तो आप सोते रहोगे लेकिन बार बार अभ्यास करोगे और वैराग्य के लिए रुकना पड़ता है। मैंने कहा ना, चोट जब तक नहीं लगेगी, हो सकता है आपकी सारी साधनाएं संपन्न हो जाए, दीक्षाएं संपन्न हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर एक झटके की जरूरत होगी, एक छोटे से झटके की जरूरत, वो आपको प्रकृति देती है। फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाएगी या कुछ ऐसा बखेड़ा हो जाएगा जिससे अचानक से परम वैराग्य प्रकट होगा। और उस स्थिति के आने पर आप पहले ही साधना के पूज्यभूत स्वरूप होंगे, और ऊपर से वो घटना घटेगी, और जैसे आप व्यथित होकर परम वैरागी होकर बैठ जाएंगे, बस फिर महीना बैठ जाए, और हो सकता है कि सदा के लिए, सदा सदा के लिए भी बैठ जाए। ये स्थिति है, लेकिन उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उस टाइम उस वैराग्य को अनुभव करना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आपने उसको साक्षी भाव से देखा तो गए काम से, फिर आपको वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि वैराग्य एक ऊर्जा है जो उस ग्रंथि का भेदन कर देगा, और फिर आप आगे की उस परम स्थिति तक जाओ। और अच्छी बात है यदि आपके ज़्यादा मित्र नहीं, अच्छी बात है कि आप यदि बहुत ज़्यादा फेसबुक में देखते, अच्छी बात है जब आप बहुत ज़्यादा गूगल नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप गूगल और इस पर नहीं बैठ रहे तो आप साधना नहीं कर रहे, और आप उसके लिए भी कई बेवकूफियाँ कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स देख रहे कुछ क्यों थी? तो इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है, तो सही तरीके से तब साधना संभव हो पाएगी, फलीभूत हो पाएगी। मैंने देखे कुछ लोग ऐसा करते हैं, भारत के बहुत सारे गुरु कर रहे हैं, बिल्ली के जैसे बच्चे पैदा होते हैं उठा कर ले आते हैं। मैं बड़ा हैरान कि बिल्ली के बच्चों को क्या कर रहे हैं, कमरे के अंदर जाकर देखा तो जैसे मैंने रखे थे कलर बॉक्स वगैरह सब कुछ उन्होंने रखा, और बिल्ली को पीला रंग करके काली धारी बना रहे हैं और मूंछ बना रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? बोले जी शेर है। अरे तुम जितना मर्जी कलर करो बिल्ली के बच्चे को, धारियां बना दो, शेर बनते हैं क्या कभी? और जैसे बड़े होंगे तो म्याऊ करते ही पता चल जाएगा कि ये तो कुछ और है। तो ठीक वैसे हम भी कोशिश करते हैं, यहाँ कई बिल्ली के बच्चे आते हैं रंग करके, कि हो सकता है थोड़ा रंग वंग करके शायद लास्ट में सीख ही जाए, किसी गलती से ही धार दे। लेकिन अधिकांश जब रंग रूप पोत करके सही बन जाते हैं तो आखिरी आवाज उनकी म्याऊ ही निकलती है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो म्याऊ करने वाला है वो इस डर में कहीं दे रहे। और यदि आप पहुंचे हैं, पहली बात तो यही है कि पहुंचना मुश्किल है, कुरान तक पीठ में एंट्री करना मुश्किल है। कोई एंट्री कर दे तो उसके बाद वो थोड़ा सा निरंतर होना मुश्किल है, अगर निरंतर हो जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सबको पता है, किसी कुरान तक पीठाधीश्वर का स्टिंग ऑपरेशन करना है तो सबसे आसान तरीका दीक्षा कंटिन्यू रखो, पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा, तीसरी दीक्षा, चौथी दीक्षा, पांचवी दीक्षा से कुरान तक ना आपके बेडरूम से लेकर टॉयलेट तक हर रूम में आपके पैर हो जाती है, छठी दीक्षा भी, छठी दीक्षा हो गई। तो इसकी पहुंच तो ज्यादा आगे तक हो गई होगी, तभी कॉकरोच के बारे में सोच रहे हैं। ये है, धीरे से निरंतरता बनाए रखें तो क्षतिपूर्ति हो जाती है, क्योंकि साधना है, साधना में ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई रेस है, ये भीतर की कला है, भीतर का ध्यान से एक क्षण बस अपनी निरंतरता बनाए रखें, तत्वों को समझने की चेष्टा करें। और ये आप लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि हमने शिविर नहीं रखा है, अगर बाहर होता तो अभी क्या हाल हो रहे हैं, घोर वर्षा हो रही है। सुंदर भाषा नदी, अगर कहीं बाहर तंबू लगा होता है तो देवराज जी तंबू खड़ा चुके होते हैं।